नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अहले सुबह एक युवक की हत्या कर शव को जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस नाले में फेंक दिया, जहां शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही तातारपुर इंस्पेक्टर और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अपने पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। बताया जा रहा है मृतक युवक कुंदन कुमार मैट्रिक का छात्र था, जो भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के रिकाबगंज मोहल्ले में भाड़े के मकान में अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ाई करता था। मृतक युवक कुंदन कुमार परिवार का इकलौता पुत्र था। कुंदन का पैतृक घर बांका अमरपुर सलीमपुर बताया जा रहा है। कुंदन का पिता सोनू मंडल टेम्पू चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था, जबकि परिजनों का कहना है कि हम लोगों की दुश्मनी किसी से नहीं है, फिर भी इसकी हत्या किसने की मालूम नहीं। वहीं मृतक कुंदन कुमार की बुआ ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे युवक घर से निकला हुआ। देर रात जब घर वापस नहीं आया तो उसकी बहुत खोजबीन की गई, पर सुबह पता चला कि उसकी लाश जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस परिसर के नाले में पड़ी हुई थी। एक आदमी डेट किया था तो वो गया था घाट पर, वहाँ से आया, उसके बाद फिर नहा धोवा के नाश्ता उस्ता किया, फिर जो सामने 6:30 बजे के आसपास निकला, उसके बाद फिर नहीं आया वो अभी तक। खोजे फिर रात में 12 बजे तक उसको खोजे हैं, कहाँ कहाँ नहीं, स्टेशन गए, उधर गए, बहुत जगह खोजे, कहीं नहीं मिला। सुबह में कैसे पता चला बाबू? सुबह में बहुत आदमी हल्ला हुआ कि मतलब उधर जगलाल में किसी आदमी को फेंक के मार दिया गया है, तो वहीं गए देखने के लिए, तब पता चला। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है कुंदन कुमार। उसके बाबूजी का? सोनू मंडल। यहाँ कहाँ रहता है? यहीं रहते हैं। हाँ, रिकाब बनी है। अब घर का अपना? घर वह अपना नाम है। किसी से झगड़ा था पहले से? झगड़ा हुआ चलता था? झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं हुआ था उसका, वो लड़का बहुत शरीफ था, पढ़ता था, वो पढ़ता था लड़का 10th क्लास में, इस बार एग्जाम देने वाला था मैट्रिक का। बाबूजी उसके क्या करते? ऑटो चलाते थे। अम्मा? माँ काम करती थी। किसी लड़की से चक्कर तो नहीं था? किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था। भाई बहन क्या था? भाई अकेला था, बहन उसको 3 गो है। किसी पे शक है तुम देखो? किसी पे शक क्या होगा, पकड़ा जाएगा तो फिर उसको मरवाइए ना देंगे हम, उसे ना है। अच्छा, भाई बड़ा था कि बहन से? सबसे बड़ा भाई था, उससे 3 बहन छोटी है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम मेरा विकास कुमार। तुम कौन हो उसके? उसके यहाँ मैं फुआ के बेटा, बगल में ही रहते हैं। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से। भागलपुर जिले में हत्या थमने का नाम नहीं ले रही है, वही लगातार हो रही हत्या पर जिले के आला पुलिस प्रशासन मौन है। भागलपुर के साथ साथ ताजा मामला जिले के गोराडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में हो रही मारपीट के दौरान ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोराडी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पुरानी जमीन का विवाद को लेकर विवाद हो रहा था, जिसको शांत कराने के लिए ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे और दोनों पक्षों का गुस्सा इतना हद पार कर चुका था कि ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में इसकी सूचना गोराडी थाना को दी गई, जहां गौराडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। 8 बजे हुआ है, चाचा मेरे लगते हैं। कौन मारा? सेवक यादव ने। क्या कारण था? यही कि चाचा मेरा प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर, तो यह कि सुई दवा दे करके लौट रहे थे उधर से, और यह कि अपने घर के पास आ गए, और यह कि लमसम में तो दूसरी बीच में जो है कि सेवक यादव और दिवाकर यादव सब जो है कि विवाद झंझट कर रहे थे, उसी बीच में जो है कि बोले कि जो है कि काहे झंझट कर रहा है, तो जाओ भाई के हल्ला गुल्ला नहीं करो, गांव समाज का जैसा है नियम। इसी बीच में जो है कि सेवक यादव का पूरा परिवार बोला कि बहन चौथ लोवे जो है कि बहुत ही करता है, लोवे को मारो, बस डायरेक्ट गोली मार दिया सच्चे के ऊपर। किस चीज़ का विवाद था? विवाद वो सब था, झंझट जगह जमीन का, सबका हमरे से कोई विवाद नहीं था, हम बिल्कुल न्यूट्रल थे। समझाने गए थे? आ रहे थे उधर से, तो जैसे आप बोल रहे हैं तो वही तरह जो कि हाँ भाई झंझट नहीं कीजिए, यही और क्या, जो समाज का है नियम। कौन कौन था गोली जो मारा है? जैसे कि सेवक ज़्यादा था, लूटो ज़्यादा था, रमबरान ज़्यादा था, और सब बहुत आदमी थे समझ कि। क्या नाम था इनका? इनका आपके चाचा? मैं रामजीवन ठाकुर। आपका? चंदन ठाकुर मेरा नाम। घर कहाँ पर है? मेरा रामचंद्रपुर घर हुआ। इनसे पहले कभी विवाद भी हुआ था किसी बात को? नहीं, नहीं। इनके नाम से अगर आप अभी जाइएगा गांव में, तब देखिए मेरे पूरे समाज का ही आदमी है,
जाइएगा तो आधे में का यानी छल्ला लग जाएगा। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर। बीती रात्रि समकालीन अभियान में मझौलिया पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर धोकराहा पंचायत स्थित धोकराहा चौक पर भुजा की दुकान की छापेमारी की, जिसमें 2 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसमें पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि धोकराहा पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी राम सुरेश पासवान के पुत्र जटाशंकर पासवान की भुजा दुकान धोकराहा चौराहे पर है, जिसमें पुलिस ने छापेमारी कर 2 लीटर देशी शराब के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। इसके विरुद्ध सुसंगत धारा में मामला भी दर्ज किया और इसके साथ ही छापेमारी दल में थानाध्यक्ष अशोक कुमार, SI, ASI विनोद कुमार सहित पुलिस बल शामिल थे। विगत रात्रि में एयरस्ट्राइक था, मद्य निषेध का एयरस्ट्राइक था, जिसके क्रम में थाना से सभी पदाधिकारी एवं कर्मी निकले थे। करीब 8:30 के आसपास में धोकड़ाहा चौक पर जय शंकर पासवान, पिता राम सुरेश पासवान, धोकराहा वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। एक दुकान भुजा पकौड़ी का चलाते हैं, जो ऑन ऑर्डर जैसी शराब, चुलाई शराब भी बेचते हैं। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली तो छद्म बेस में पुलिस बल को वहाँ भेजा गया और उनसे शराब की मांग की गई और उनके द्वारा शराब दिया गया और उनके घर की तलाशी, उनके दुकान की तलाशी लेने के बाद 2 लीटर देसी शराब बरामद हुआ, जिसमें उनको गिरफ्तार कर नहीं गिरफ्तार में भेजा गया है। सर, मेरा नाम अशोक कुमार, इंस्पेक्टर सर थाना अध्यक्ष। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझौलिया पश्चिम चंपारण। आज मुकेश यादव जिलाध्यक्ष युवा राजद जी के बेतिया ITI निजी आवास पर सैकड़ों युवा साथियों को राजद का सदस्यता दिलाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। सैकड़ों युवा साथी दूसरे दलों से इस्तीफा देकर आए और कई राजनीति में नए लोग आए, जिनको जिला और प्रखंड स्तर एवं नगर कमेटी में जगह दी गई। सभी युवा साथियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विश्वास जताया और राजद के विचारों पर चलने और जन जन तक तेजस्वी की बातों को पहुंचाने का संकल्प लिया। उक्त बातें युवा जिलाध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया। उन्होंने बताया कि आज चोरों लुटेरों का दिन है, कल अपना होगा, यानी जनता की सरकार बहुत जल्द 2-3 माह में बनने जा रही है, जिनका मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव होंगे। भ्रष्टाचार मुक्त चंपारण होगा और जब हम सब मिलकर युवा का टीम बना लेंगे तो कोई भी गरीब और लाचारों को नहीं सताएगा और ऑफिसरशाही खत्म होगा, गरीबों का अधिकार होगा। इस मौके पर युवा जिला उपाध्यक्ष राहुल राम जी, छात्र उपाध्यक्ष विजय जी, सोनू पाठक जी, कई कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। R9 भारत के लिए अविनाश कुशवाहा की रिपोर्ट, बेतिया। गुरुवार के दिन मंझौलिया प्रखंड परिसर में वन विभाग बेतिया की तरफ से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा चलंत पौधा बिक्री केंद्र बेतिया वन परिक्षेत्र के रथ जैसे प्रखंड मुख्यालय आया। किसानों ने 10 रुपए प्रति दर से पौधा खरीदी की, इसकी जानकारी फॉरेस्ट गार्ड बबलू कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि करीब 600 पौधे आए हुए हैं, जिसमें सागवान, मौगनी, आम, कटहल, आंवला, जामुन शामिल है। इस मौके पर किसानों की भीड़ देखी गई। पर्यावरण की सुरक्षा पेड़ लगाकर करना ही परम कर्तव्य है। पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से ग्रसित है, एक एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन करना हर मानव का कर्तव्य है। हाँ सर, कैसे जो पौधा मैंने आप बेच रहे हैं 10 रुपए यूनिट का, या किस विभाग से और कैसे है किसानों को? सर, ये आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तरफ से, वन प्रमंडल बेतिया के तरफ से 10 रुपए पर पौधे के हिसाब से दिया जा रहा है। पर्यावरण विभाग के देख रेख के मद्देनजर दी जा रही है। अपना परिचय सर। मेरा नाम बबलू कुमार, बंडक शिव, उदयपुर परिसर। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मंझौलिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।